नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बहस के खास कार्यक्रम दंगल में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से कश्मीर पर पुराना राग छेड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में अपने देश और उसकी चुनौतियों की बात करने के बजाय इमरान खान हर साल की तरह इस बार भी कश्मीर पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गए, जिसका उन्हें संयुक्त राष्ट्र के मंच से ही करारा जवाब मिल गया। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया को संबोधित करने वाले हैं। यह तय माना जा रहा है कि पीएम मोदी भी इमरान को बेनकाब करेंगे, उनका आतंक नीति तार तार करेंगे। बहस इन्हीं मुद्दों पर होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। पीस इन साउथ एशिया इज कंटिंजेंट अपॉन रेजोल्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस and the wishes of the Kashmiri people. दुनिया के सबसे बड़े मंच से ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की जुबान से निकला सबसे बड़ा झूठ है। Reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. दुनिया के सबसे बड़े मंच से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. और एक बार फिर पाकिस्तान के हुक्मरान को कश्मीर पर झूठ फैलाने पर मुंह की खानी पड़ी है। Not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country. दुनिया बदल गई, कश्मीर बदल गया, लेकिन ना तो पाकिस्तान बदलने को तैयार है, ना ही इमरान खान हकीकत स्वीकारने को। यही वजह है कि 75 सालों से जो बेसुरा राग पाकिस्तान का हर हुक्मरान गला फाड़ फाड़ कर गाता रहा, पिछले 3 सालों से इमरान उसे और कर्कश बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में इमरान खान ने कश्मीर पर फिर दुनिया में झूठ फैलाने की कोशिश की, वो भी तब जबकि कश्मीर के मुद्दे पर तमाम सहयोगी पहले ही पाकिस्तान को झटका दे चुके हैं। कश्मीर पर झूठ फैलाने वाला पाकिस्तान कैसे अलग थलग पड़ गया है, वो जानने से पहले सुनिए कश्मीर पर इमरान खान ने आखिर क्या कहा। पाकिस्तान डिजायर्स पीस विद इंडिया एज विद ऑल इट्स नेबर्स, बट सस्टेनेबल पीस इन साउथ एशिया is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों की ये ढिठाई इतनी बेहुदा हो चुकी है कि इस पर जवाब देना भी अब मुनासिब नहीं लगता। थोड़ी देर में पीएम मोदी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने वाले हैं। इमरान और उसके झूठ को पीएम कुछ खास तवज्जो देंगे, इसकी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन दुनिया के मंच पर कूटनीति का भी कुछ तकाजा होता है, लिहाजा इमरान के फरेब और झूठ का पर्दाफाश भारत की एक महिला अफसर ने ही कर दिया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द लीडर ऑफ पाकिस्तान हैज मिसयूज्ड प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय द यूएन टू प्रोपेगेट फॉल्स एंड मिलिशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट माय कंट्री एंड सीकिंग इन वेन टू डाइवर्ट द वर्ल्ड्स अटेंशन फ्रॉम द सैड स्टेट ऑफ हिज कंट्री वेयर टेररिस्ट्स एंजॉय फ्री पास while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान के झूठ को फिर बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की इसी फितरत को दुनिया के देश समझ रहे हैं। ये वजह है कि OIC के सदस्य देशों ने भी अब कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में OIC के सदस्य कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे, लेकिन सऊदी अरब और ईरान ने तो कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेचिप तैयब अर्दोआन ने भले अपने संबोधन में कश्मीर का जिक्र किया है, लेकिन उनके सुर बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं।
दरअसल दुनिया भर के देशों को पाकिस्तान की असलियत समझ आ चुकी है। एक ओर तो वो मानवाधिकार का राग छेड़ता है, दूसरी ओर आतंक फैलाने वाले के बचाव में खुलकर खड़ा नजर आता है। In countries, it is marginalizing Muslim communities, and we all know that marginalization leads to radicalization. Some of the people who ended up as militants in Syria and other places were from marginalized Muslim communities. आतंक का यही एजेंडा इमरान और उसके पहले के पाकिस्तानी हुक्मरान दशकों से अफगानिस्तान पर भी थोपने में जुटे थे। बदकिस्मती से वो इसमें कामयाब भी हो गए। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में तालिबान का हेडक्वार्टर था। क्वेटा शूरा के नाम से तालिबानी फरमान पाकिस्तान से जारी होते थे। तालिबान का हक्कानी गुट पूरी तरह पाकिस्तानी जमीन पर फला फूला। पाकिस्तानी विश्वविद्यालयों में तालिबानियों को डिग्री दी गई और अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद यही तालिबानी मंत्री बन गए। 9/11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मेहमान बना था। Solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर आतंकियों का रोना रोताया है, लेकिन खुद भारतीय सरहद पर आतंक को पालता पोसता है। आतंकवादियों को शरण देना और उसे बढ़ावा देना पाकिस्तान की नीति का हिस्सा है। यही वजह है कि कश्मीर पर दुनिया के देश पाकिस्तान के झूठे राग से गुमराह होने वाले नहीं। आज तक ब्यूरो। और आपको बताते चले, डेढ़ घंटे से भी कम का वक्त बाकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम का संबोधन शुरू हो जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, लेकिन बार बार मुंह की खाता है पाकिस्तान, फिर भी सुधरता क्यों नहीं है, इसी पर चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूं आपसे। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के और राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो जुड़ चुके हैं इस वक्त। संगीत रागी जी आरएसएस के जानकार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। अब्दुल सामत याकूब जो कि स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के पाकिस्तान से, वो भी जुड़ चुके हैं। और पाकिस्तान से हमारे साथ एक और डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे, हरीश नवाज भी। लेकिन सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए अब्दुल सामत याकूब साहब, बार बार मुंह की खाते हैं, बेइज्जती करवाते हैं, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते हैं, कैसा लगा आज सुनकर भारत का जवाब? भारत का क्या जवाब था? उस भारत के जवाब में ये माइनॉरिटीज का जिक्र किया गया, माइनॉरिटी के राइट्स की, वही इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की आपके यहाँ मुसलमानों के साथ जो नारवा सलूक होता है, या उनके अभी भी रिसेंटली असम का वो वाक्य आपको याद होगा जिसमें एक जर्नलिस्ट ने एक बंदे को मारा। तो यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप माइनॉरिटी राइट्स की बात करें तो जस्टिफाइड है, लेकिन अगर पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वो आपको लगता है कि पाकिस्तान इंटरनल मैटर में आतंकवादियों को शहीदों का दर्जा देने वाला पाकिस्तान मत समझाए हिंदुस्तान को मानवाधिकार। अपनी बात कीजिए आप, कश्मीर पर मुंह के खाते हैं बार बार, लेकिन फिर भी नहीं सुधरते हैं। मेन मुद्दे पर आइए ना, संयुक्त राष्ट्र में किस तरह से जमकर आपकी फजीहत हुई है, उस मुद्दे पर बोलिए। नहीं मतलब क्या आप क्या चाहती हैं कि अगर अगर अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात हो, इंडिया उसको इशू उठाए ह्यूमन राइट्स की, तो वो बात ठीक है, वो जस्टिफाइड है। अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू फोर्स कन्वर्जन की बात हो तो वो ठीक है कि इंडिया उठा सकता है उस मुद्दे को, लेकिन अगर मुसलमानों की बात आती है, कश्मीरियों की बात आती है, तो वो आपको दखल अंदाजी लगती है। ये कहाँ का इंसाफ है? आप खुद ही सोचेंगे ये दो तरह का किस तरह का डबल स्टैंडर्ड किस तरह का हो सकता है? और जब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड नेशन का, हमने उसको इस्तेमाल किया, वर्ल्ड कम्युनिटी को एड्रेस किया, वो खाली सिर्फ आपके लिए तो नहीं था, वो तो वर्ल्ड कम्युनिटी को हम ये आवाज उठाते रहेंगे। वही तो कह रहे हैं ना, आप आवाज वहां पर बुलंद करने जाते हैं पाकिस्तान के आवाम की, लेकिन आतंकवाद पर बात करता है, अपनी पीठ थपथपाता है पाकिस्तान। और आपकी जानकारी के लिए, जिस अफगानिस्तान का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता का सबूत सामने आया है। अब्दुल समद, आपने देखा है क्या, हेरात में चौराहे पर शव को टांग दिया गया है, ये तस्वीरें आपको नजर नहीं आती? लेकिन आपने जो आरोप लगाए हैं सैयद जफर इस्लाम साहब, उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी।
कश्मीर पर राग अलापते रहेंगे, ये बाज नहीं आएंगे, इनके शब्दों से यही लग रहा है। देखिए, मैं पीटीआई के प्रवक्ता को ये बताना चाहता हूँ कि ये राग अलापना बंद कर दे जो कि वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में बात करते हैं या कश्मीर के बारे में बात करते हैं, और वे जब कहते हैं ऑक्युपाइड कश्मीर, तो ये इनको खुद समझना चाहिए हिस्सा है, और जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखा है कश्मीर, जो वो आपने गलत तरीके से ऑक्युपाई करके रखा है, जिसको हम जरूर जल्दी वहां से वापस लेने का की कोशिश करें और जरूर ले भी इंशाल्लाह ले भी पाएंगे। लेकिन जो आपने यूनाइटेड स्टैंड में स्टैंड लिया है, वो स्टैंड में बार बार आप एक्सपोज होते हैं, इसलिए कि आपकी बातों से में कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वहां पर, या इमरान खान बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान को कोई ऐसी तकलीफ नहीं जिसका जिक्र आप करते हैं। आप माइनॉरिटीज के साथ गलत तरीके से और गलत तरीके से उनके साथ आपका कुछ हो सकता है, नजरिया गलत है और आप उनके साथ बर्ताव गलत करते होंगे। हिंदुस्तान में ना तो मुस्लिम कभी इस तरह से मार्जिनलाइज महसूस करता है और ना कभी महसूस कराया जाता है उनको। एक इक्का दुक्का इंसिडेंट हर जगह हर कम्युनिटी के लिए होता है, सिर्फ मुस्लिम को क्यों, हर जगह हर कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। और हमारे वहाँ कानून अपना काम करता है, अब्दुल समद जी, और उसमें कानून अपना काम करता है हिंदुस्तान में। लेकिन पाकिस्तान अगर किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो, लेकिन पाकिस्तान में एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। आप मेजर जनरल सुधाकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं संगीत रागी आपके पास आऊंगी और सबका जवाब दीजिएगा अब्दुल समद, क्योंकि पाकिस्तान का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है, जो अपनी धरती से आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, हिंदुस्तान में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करता है और बार बार मुंह की खाता है लेकिन सुधरता नहीं है। सुधाकर जी। चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने की आपके चैनल में फिर से। मैं सिर्फ याकूब साहब को याद दिलाना चाह रहा हूँ, बस करिए याकूब साहब, आप तो बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप 1947 से लेके अभी तक आप हमें इतिहास पढ़ा सकते हैं। अभी कहां तक, कब तक इस तरह आप अपना क्रेडिबिलिटी को बीट करते जाएंगे, कब तक? एटलीस्ट वी हैव समबडी लाइक यू अक्रॉस द बॉर्डर, सच्चाई को तो कम से कम सामने जो कबूल करिए ना। ह्यूमन राइट्स किसके बारे में बात करते हैं, इंसान और इंसानियत के बारे में। हम रिलीजियन को इसमें उभारना नहीं चाहते हैं, रिलीजियन तो हमारे देश की सोच विचार के मुताबिक ये लोगों को इकट्ठा करता है, डिवाइड नहीं करता है कभी भी। लेकिन हमारा जो बुनियादी चीज जहाँ पे आपकी और हमारे जो समझ में जो जो भेद है, जो अभाव हो रहा है, यही है कि जिसको आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं वो हमारे लिए टेररिस्ट, और हम जिसको फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं वो आपके लिए टेररिस्ट बन जाते हैं। इसी में ही डिस्टिंक्शन आ जाता है। तो आप जैसे विद्वान चीफ स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, थोड़ा सा बदलाव लाए ताकि देश, क्योंकि हमारा पड़ोस है, पड़ोस को हम बदल नहीं सकते हैं। अभी समय आ गया है, जितना जल्दी हम इसको कबूल करेंगे उतना ही एक प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो नहीं सुधरेंगे, याकूब जी की बातों से लग रहा था वो नहीं सुधरेंगे। आपने कहा कि वो विद्वान है, ऐसे विद्वान होने का क्या फायदा जो आतंकवादियों को, पूरी दुनिया जिसे आतंकवादी मानती है उसको वो शहीद का दर्जा देते हैं, क्यों याकूब साहब? हम नहीं सुधरेंगे, पट्टी चिपका कर रखी है आप लोगों ने अपनी आंखों पर। देखिए, फिर मुझे इसके जवाब में आपको आप ही की यूनाइटेड जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन नंबर 2593 है उसको जरा पढ़ लीजिएगा, इंटरप्रेट कर लीजिएगा, जिनको आप दहशतगर्द कह रहे हैं। इंडिया ही उसी कमेटी का प्रेसिडेंट है जिसमें वो डील लिस्ट होगी, आप ही ने तालिबान को डील लिस्ट करना है, फिर आप ही ने उनको उनके तालिबान के बिहेवियर को देख के ऑब्जर्व करना है और उन्हीं को जाके आपने फिर रिकोगनाइज करना है आपने। तो किसी के बारे में मीडिया पे इतना नैरेटिव बिल्ड कर देना, उनको बार्बरिक कहना, उनको ब्रूटल कहना, और फिर उसके बाद जाके उनको जब रिकॉग्नाइज करने की बारी आएगी वर्ल्ड कम्युनिटी की, तो आप भी कर लेंगी। तालिबान महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहा है, आंखें निकाल ली जा रही हैं, जो पुलिस में महिलाएं शामिल हैं उनके साथ किस तरह से विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं, और यहाँ पर बैठकर आप ध्यान दे रहे हैं, लौटूंगी आपके पास। अब संगीत रागी जी, मैं फौरन आ रही हूँ, एक बार सुन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र में किस तरह से पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है, और करारा जवाब तो मिलना अभी बाकी है जब पीएम का संबोधन अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा, लेकिन उसके पहले आज संयुक्त राष्ट्र के भीतर हिंदुस्तान ने किस तरह से अपना पक्ष रखा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सवाल पर, जरा सुनिए। पाकिस्तान डिजायर्स पीस विद इंडिया एज विद ऑल इट्स नेबर्स, बट सस्टेनेबल पीस इन साउथ एशिया इज कंटिंजेंट अपॉन रेजोल्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड द विशेस ऑफ द कश्मीरी पीपल।
Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass, while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. तालिबानियों को शिक्षित कर उन्हें डिग्री देने में तालिबान के भीतर जिस तरह की स्थिति पैदा हुई उसको लेकर और अफगानिस्तान में बदली हुई परिस्थितियों के बाद संगीत रागी जी, डर इस बात का और ज्यादा गहरा गया है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अब और फलेगा फूलेगा। यही वजह रही कि बहुत जरूरी हो गया था पाकिस्तान को एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक्सपोज करना। देखिए चित्रा जी, पाकिस्तान चाहे संयुक्त राष्ट्र के मंच को जितनी बार दुरुपयोग करे, जितनी बार कश्मीर के बारे में बात करे, लेकिन दुनिया का कोई भी देश, यहाँ तक कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देश भी अब पाकिस्तान की बातों से सहमत नहीं है। वो कहीं कहीं कभी कभी एक आध बात जिक्र कर देते हैं, बट इसके प्रति वो गंभीर तो कतई नहीं है। दूसरी बात, तालिबान का जब से दोबारा सत्ता में अफगानिस्तान में आना हुआ है, तब से पश्चिम के देश खास करके इस बात के लिए बहुत सतर्क हो गए हैं। और यदि आप इसे समझना है तो आप दो दिन पहले का ब्रिटिश संसद में जो एक परिचर्चा चल रही थी आतंकवाद पर और खास करके इस्लामिक टेररिज्म के संदर्भ में, जब जिक्र आया तो ब्रिटेन के एक सांसद ने कहा कि कश्मीर के अंदर भारतीय सेना और भारतीय लोकतंत्र, मैं जोर दे करके कह रहा हूं, भारतीय सेना और भारतीय लोकतंत्र नहीं होता तो कश्मीर के अंदर भी तालिबानी प्रवृत्तियां जागी होती, तालिबान जैसे ही हालात होते। मैं इसे सहमत नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, भारत का लोकतंत्र जीवंत है। एक एक एक, एक अरब 30 करोड़ की जनसंख्या के लिए बंदूक की आवश्यकता नहीं है। वो अपने लोकतंत्र के सहारे जम्मू एंड कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ चुका है। लेकिन जो दुनिया की समझ बनी है पाकिस्तान के लिए, सब कोई जानता है कि अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ही जो है वो बहुत बड़ा कारण रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हिंसा होती है, जो आतंकवाद होता है। आपको जानकारी मैं बता दूं, 56 ऐसे इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ उसमें से सुसुप्त हो गए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे 56 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान प्रायोजित है अथवा अन्य देशों के द्वारा प्रायोजित, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में यदि कहीं भी बम धमाके हों, कहीं भी, चाहे वो सिडनी के अंदर हो, चाहे वो मेलबर्न के अंदर हो, चाहे वो जर्मनी के अंदर हो, चाहे वो पोलैंड के अंदर हो, कहीं भी बम धमाके होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका तार पाकिस्तान की तरफ जाता है। और यदि पाकिस्तान के आप मित्रों से बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनसे यदि आप व्यक्तिगत बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो वो अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय नेताओं को लगभग कोसते हैं और कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में बदनाम होते। जहीं कहीं भी पाकिस्तान का नागरिक जाता है, एक हिथ्रो हवाई अड्डे पर जाता है, तो जिस प्रकार से, जिस बेरहमी से उनकी तलाशी ली जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, जिस निर्दयता के साथ उनकी तलाशी ली जाती है, वो कहता है कि हमें बहुत दुख पहुंचाता है, हमारी सारी गरिमा जो है वो ध्वस्त हो जाती है। जो बातें वो कह रहे हैं, आप और मुंह की तो आपको तब भी खानी पड़ी है जब बीते 8 महीनों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं कि जो बाइडेन फोन करे, यार एक फोन ही आ जाए, कुछ भी बोल दे, लेकिन फोन भी नहीं आ रहे हैं अमेरिका से। और कल की तस्वीरें देखिए भारत और अमेरिका के संबंधों की। आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश हैं आप, मानवता के लिए सबसे ज्यादा बड़ा खतरा तो आप ही हैं, सुधरने को तैयार क्यों नहीं होते हैं याकूब साहब? आपको असल में पाकिस्तान फोबिया हो गया, और मैं अपने पैनलिस्ट को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता जब वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन कल से जिस खुशफहमी का शिकार आप लोग हैं कि
बड़ा ओवरवेलमिंग, मोदी साहब को वहां पे ओवरवेलमिंग रिसेप्शन मिला, व्हाइट हाउस में बड़ा रेस्पेक्ट मिली, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। झूठ का पर्दाफाश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से तकरीबन एक घंटे के बाद उनका संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन शुरू होगा, जिसके जरिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान को चुन चुन कर करारा जवाब आज दिया जाएगा एक बार फिर से इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं एक और खास मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड हरीश नवाज साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हरीश साहब, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि अब्दुल याकूब साहब बहुत देर से जवाब दे रहे थे, पाकिस्तान को बार बार एक्सपोज किया जाता है आतंकवाद के मसले पर, और अमेरिका और हिंदुस्तान, कल दुनिया भर ने देखा कि किस तरह से हमने गांधी की बात की, उनके आदर्शों की बात की, उस पर चलने की बात की, और जब भी पाकिस्तान की बारी आती है तो वो तालिबान की बात करता है, उसको फंडिंग दिए जाने की बात करता है, आतंकवादियों की को शहीद बताता है। इतना बड़ा फर्क है इन दोनों ही मुल्कों में। हरीश साहब, बार बार लोग सवाल पूछते हैं कि कब सुधरेंगे आप लोग। यही बात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में बड़ी क्लियर बात की है कि कब सुधरेगा इंडिया टेररिज्म करने में, पाकिस्तान में इन्वॉल्व होने में, पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करने में, पाकिस्तान में टेरर को सपोर्ट करने में, आज़ाद कश्मीर में जुल्म बर्बरियत करने के, वहां पर पैलेट गन से औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद करने में, कश्मीर की तस्वीरें देखिए आपने, 15 अगस्त की शानदार लाल चौक पर तिरंगा लहराया गया, वहां के मेयर डांस करते हुए दिखाई दिए, दुनिया भर ने वो तस्वीरें देखी, भारी भीड़ थी वहां पर, देखी या नहीं देखी वो तस्वीरें आपने, लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं वहां पर, शांति और अमन लौट आई है, जिस लाल चौक पर आपकी वजह से पत्थरबाजी होती थी वहां पर थिरकते हैं अब युवा, वहां के वकील से कैसे खींच लिया उनको, कैसे आपने जगह पे बरी कर दिया उनको, बच्चों से फैमिली से छीन छीन के ले गए, आप ये भी तो सोचिए आप कितना जुल्म कर रहे हैं, क्या यही आपका कश्मीर आप समझते हैं, हमारा टूटंग कैसे आ गया जब यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऊपर है ये, और उसके ऊपर आप कहते हैं हमारा हिस्सा बन गया, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी आपने खुद एक्सेप्ट किया, आपका प्राइम मिनिस्टर भागता हुआ इंडिया में एक वहां गया था यूनाइटेड नेशन में, क्या खुदा के लिए बचाओ कश्मीर हमारे हाथ से जा रहा है, फिर जबरदस्ती आपने राजा हरी सिंह से एक्सेप्शन सर्टिफिकेट साइन कराया और कश्मीर पे कब्जा कर लिया। कश्मीरी आपसे नफरत झूठ करते हैं, बोलने से न जाने कब बाज आएंगे आप लोग, कश्मीरी झूठ बोलने से न जाने कब बाज आएंगे। जफर इस्लाम साहब जवाब देंगे आपके इन तमाम आरोपों का, झूठ बोलने से बाज आइए, यही है होगा पाकिस्तान के लिए। 8 महीने से आपको फोन दे गया है अमेरिका के प्रेसिडेंट का और दुनिया देख रही है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितनी मजबूती से आगे बढ़े। जफर इस्लाम साहब, इंडिया हैरिस जो भी नाम है उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। शायद आपको वाकफियत नहीं है कश्मीर के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान की ताकत और हिंदुस्तानियों के वजूद के बारे में आपको शायद इसका इल्म नहीं है। और सुन लीजिए, मैंने आपकी बातें सुन लीजिए, आपको जरा हकीकत से वाबस्ता कराते हैं। कश्मीर में हर कश्मीरी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के लिए मरता जीता है, और जो आपके 5% लोग जिनको आप गुमराह करके और वर्गला के रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं वो भी अब आपसे गुमराह हो रहा है। इसलिए जब से 370 गया है जिसकी गुहार आप बार बार लगा रहे हैं, उसी से वहाँ के कश्मीरियों की जिंदगी बेहतर होनी शुरू हुई है और अब बहुत बेहतर है। आप कश्मीर में गए नहीं होंगे? हाँ, कश्मीर में आप गए नहीं होंगे, हम हजार बार गए हैं और हर बार वहां से एक ही गूंज आती है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जो फैक्ट्री जो बना के रखा है उनसे किसी तरह से हमें नजात दिलाओ। मतलब आप जो टेरर फैक्ट्री चलाने की कोशिश जो बना के रखा है, जिसको यहाँ पे हिंदुस्तान में और खास के कश्मीर में आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका पुराना डर्रा अब नहीं चलेगा। आप पूरे तौर से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल कम्युनिटी के सामने एक्सपोज हो गए हैं। पाकिस्तानी खुद को पाकिस्तानी कहने में घबराता है, दुनिया के प्लेटफॉर्म पे भी नहीं, दुनिया के यू डोंट हैव एनी रिप्लाई बिकॉज यू नो यू कैन नॉट रिप्लाई, यू नो दैट यू मुसलमानों और कश्मीरियों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। हैरिस नवाज साहब, अब ये सपना छोड़ दीजिए आप, उसको हम ये आप कब्जा ये सपना छोड़ दीजिए आप, और भारत की आवाज कितनी मजबूत हो रही है जब कमला हैरिस अमेरिका, सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए ना सर, उनके वाइस प्रेसिडेंट के एक एक शब्द सुनिए अमेरिका के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन काम कर रहे हैं, पाकिस्तान पर कार्रवाई बहुत जरूरी है ताकि अमेरिका और भारत की सुरक्षा पर असर ना पड़े। ये अमेरिका की आवाज है, सुनाई देती है आप लोगों को या नहीं देती है सुनाई? इसलिए अमेरिका को प्रॉब्लम है कि वो अफगानिस्तान में बुरी तरह शिकस्त खा के गया है,
अपनी फेलियर्स पाकिस्तान पर डालना चाहता है, ये उनकी हमेशा से आदत है। जिस तरीके से बुरे हाल में वो गए हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही कि अपने आवाम को क्या बताएं, इसलिए वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। जितना पाकिस्तान ने मदद किया, अल्टीमेटली मिनटे कर रहे थे हमारे लोगों को इवैक्यूएशन करें, वो भी हमने करके दे दी है। बात यह कि उनको आपकी जरूरत है, आपको उन्होंने पागल बनाया हुआ, पॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, क्वाड ग्रुप में, और उसके बाद इंडो पैसिफिक में भी आपको निकाल दिया। बातें सुनकर हमारे जो इंडिया के मेहमान हैं वो हंस रहे हैं और आप पर भी हंसी आ रही है। और अब पाकिस्तान को इंतजार है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं और कैसे पोल खोलते हैं। बिल्कुल इंतजार है, हमें पता है कि वो कितना झूठ बोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने पूरा एक्सपोज कर दिया नरेंद्र मोदी को। इनको तो 2012 तक अमेरिका को इंग्लैंड का वीजा नहीं मिलता था, बिकॉज गुजरात के जुल्म जो किए थे, ही वाज अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट। आप टेररिस्ट को हमें कैसे सबक सिखाते हैं? कल की तस्वीरें नहीं देखी क्या हैरिस नवाज आपने? कल की तस्वीरें देखी या नहीं देखी है? 8 महीने से जो पाकिस्तान इंतजार, अरे तालिबान आतंकवादियों का समर्थन करते हैं आप, और यहाँ पर बैठकर गाल बजाते हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती? अफगानिस्तान में जो स्थिति पैदा हुई, अमेरिका उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। करते हैं जो आप हालात खराब करते हैं, जो हाल कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं कुछ कह सकता हूँ? ब्रिगेडियर हरीश साहब, देखिए आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप बहुत सीनियर एक ओहदेदार है, रिटायर्ड ऑल दो, और काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो चीजें आप अभी बयान में दे रहे हैं, तो शायद अपना दिल के ऊपर हाथ रख के खुद को ही पूछिए क्या ये सही है। मैं एक मिसाल के तौर पे छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, प्लीज 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 हियर मी आउट। 5 दिन पहले CNN का एक इंटरव्यू हो रहा था इमरान खान जी की, तो इंटरव्यू ये पूरा विश्व में अभी घूम रहा है, इट इज गोइंग अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें उन्होंने जो कहा है कि पाकिस्तान का हालत इतना बुरा हो चुका है कि 50 टेररिस्ट ग्रुप, मैं काफी स्टडी किया हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 25 साल के इसके ऊपर, 2018 के मुताबिक 67 रजिस्टर्ड ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक 67 में से अगर 50 ग्रुप पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का ऑब्वियसली समय ज्यादा देर नहीं है जब उनका पैर के नीचे से जमीन भी किस तरह के फिसल जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस चीज को आप कह रहे हैं बार बार जो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर, कम से कम आप तो मत बोलिएगा, आप तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत मेच्योर सीनियर ऑफिसर हैं। जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस अगर आपके देशवासियों को नहीं पता है, तो उनको सही इतिहास तो बताइए ना, यूएन रेजोल्यूशन क्या होता है। और ह्यूमन राइट्स की जब बात चलती है, थोड़ी देर पहले आप आने से पहले मैंने याकूब साहब को यही बयान दिया था कि ह्यूमन राइट जो है, इंसान इंसानियत और धर्म के बीच में मिक्स मत करिए। हमारे लिए हिंदुस्तान में धर्म जो हम कहते हैं, रिलीजियन, ये सबको जोड़ता है, अलग अलग नहीं करता है। बस यही कहना चाह रहा हूँ बस आपकी। और आपके वहां तोड़ती मानसिकता ही ऐसी आप लोगों की। हरीश नवाज जी जवाब दीजिए, उसके बाद संगीत रागी और जफर साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए ह्यूमन राइट्स का, ये ह्यूमन राइट्स हर मजहब के लिए है। आप ये बताएं कि आप जिस तरीके से लिंचिंग कर रहे हैं मुसलमानों की, सिखों की, क्रिश्चियंस की, दलित की, वो आपको पता है आपने क्या जुल्म उनके साथ करते हैं? डंडे मार मार के मुसलमानों को मार देते हैं, बेचारे वो गाय को लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद आपको झूठ बोलते हैं, लोगों को आपने मार दिया, कितना झूठ बोलते हैं। मतलब मैं हैरान हूं कि आप ब्रिगेडियर हैं, पाकिस्तान के रिटायर्ड अधिकारी हैं आप, कितना झूठ बोलते हैं आप। हमारा देश में हमारे वहाँ कानून अपना काम करता है, आपके वहाँ आतंकवादी अपना काम करते हैं, ये फर्क है हमारे और आपके मुल्क में, जो कि आपके देश में नहीं है। मस्जिद में क्या किया आपने, मुझे ये बताइए, आप गुजरात में क्या किया, छोड़ दिया सबको, कितने मुसलमानों को? आगे बढ़िए ना, देखिए कि आपके मुल्क का क्या हाल हो रहा है, कटोरा लेकर इधर उधर जाना पड़ा है आपके प्रधानमंत्री को, IMF ने आपका क्या हाल कर दिया है, तालिबान के लिए आप भीख मांगते हुए फिर रहे हैं और यहाँ पर हिंदुस्तान को सीख दे रहे हैं आप। यूनाइटेड नेशन ने जफर इस्लाम साहब कर दिया, जफर इस्लाम साहब मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ, ब्रिगेडियर साहब सुन लीजिए, आप ही के मुल्क में छोटे छोटे बच्चों को आपके यहाँ आके जो आपके पाले हुए टेररिस्ट दहशत गर्दों ने गोली मार के मारे थे, आपके ही बच्चे थे, आपके जैसे कोई ब्रिगेडियर साहब सबके बच्चे थे, भूल गए? नहीं, आप भूल गए, आपके कोई आपके कॉलीग्स होंगे जिनके बच्चों को उन्होंने भून दिया था स्कूल में जाके, भूल गए? ये वारदात कहाँ हुई थी? ये आपके मुल्क में होती है, आप टेररिस्ट के पास नहीं, आपको हमें सब मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि आप टेरर फैक्ट्री आपके यहाँ है, आप चाहते हैं कि उसका उस टेरर फैक्ट्री को दुनिया में हर जगह फैलाया जाए, लेकिन आप इस मंसूबे में नाकाम हो जाएंगे, इसलिए कि भारत एक मजबूत मुल्क है,
और भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम ने पूरे दुनिया को इस चीज के लिए आमादा कर लिया है कि पाकिस्तान के साथ सख्ती से निपटा जाए, सख्ती से बरता जाए और आपको एक्सपोज किया जाए। और इस बात को अमेरिका भी मान रहा है, हैरिस नवाज साहब, अमेरिका भी मान रहा है। उसके विदेश मंत्री का शब्द मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। उनकी ओर से कहा गया है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध है, अमेरिका रिश्तों की समीक्षा करेगा। अमेरिका ये मानता है कि पाकिस्तान ने हक्कानी के आतंकवादियों सहित तालिबान को पनाह दी है। पाकिस्तान की मिलीभगत अमेरिकी हितों के खिलाफ रही है और इसका करारा जवाब वहां से भी मिलेगा आपको, हैरिस नवाज। अभी आप यही बात अभी ये याद रखिए कि यही अमेरिका की प्रॉब्लम है कि अमेरिका कल आपको भी इसी तरह डिच करेगा। अमेरिका अपने फेलियर जो है दूसरों में डाल देता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, वहाँ पाकिस्तान नहीं है, मजबूत मुल्क है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है भारत। इस बात को गलतफहमी मत पालिए, पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान। पाकिस्तान की वेरी स्ट्रांग मिलिट्री, हमारी बैटल हार्डन्ड है। आपको 27 फरवरी भूल गया, 2019 भूल गया जब आपके जहाज गिराए थे, अभिनंदन को छोड़ दिया था। आप वो भूल गए जब आपकी जमीन पर आतंकवादियों को घुसकर हिंदुस्तान ने मारा था। आपके जमीन पर जितने आतंकवादी आते हैं उनका लिंक पकड़ा जाता है पाकिस्तान से। जल्दी से आप कुछ बोलिए संगीत रागी, उसके बाद बोलना चाह रहे हैं सुधाकर जी। देखिए आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि रेडिकलाइजेशन बढ़ता है जब मार्जिनलाइजेशन होता है। तो क्या ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हुआ है इस कारण से हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों का ही मार्जिनलाइजेशन हुआ है? सच तो यह है कि वहाँ की हजारा कम्युनिटी, जो सिया कम्युनिटी है, उनके मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, रोज वहाँ दंगे होते हैं, उनको मारा जाता है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने आज अफगानिस्तान में जिस तालिबान को खड़ा किया है, आप आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि वो पाकिस्तान के लिए इतना सरदर्द बढ़ेगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान के विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण बने। क्योंकि जो हक्कानी नेटवर्क है उनके साथ तो इनका रिश्ता ठीक है, लेकिन जो तहरीक तालिबान है वह तालिबान के वही आंदोलन पाकिस्तान के अंदर भी छेड़ेगा। रेडिकलाइजेशन और पाकिस्तान के जितने चाहे वो जमाते पाकिस्तान है या जो भी वहाँ के जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो वही व्याख्या कर रहे हैं कि इस्लाम की जो व्याख्या है तालिबान की, वही पाकिस्तान में लागू। बिल्कुल। तो क्या कल जाकर के वही औरतों पर वो वही पाबंदियां लगाएंगे? सिनेमा घर बंद होंगे क्या? वहां के कलाकारों को संगीत और गजल और गायकी और मौसिकी बंद होंगे? और यदि इन चीजों का दबाव पाकिस्तान के समाज और राजनीति पर पड़ा तो निस्संदेह मैं कह सकता हूं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एक नए गृहयुद्ध को अपनी ओर आमंत्रित कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर तो गृहयुद्ध होगा ही। जल्दी से हैरिस नवाज बताइए, अफगान तालिबान कंसर्न विद अफगान तालिबान, वो वहाँ पर अपने मुल्क में अमन चाहते हैं और हम भी ये चाहते हैं वहाँ अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा, क्योंकि यहाँ पर अमन उस वक्त होगा जब इंडिया लोगों को लटका दिया जा रहा है चौराहे पर। आप कह रहे हैं कि अमन करेगा तालिबान और पाकिस्तान उसका साथ देगा, फिर पाकिस्तान का हाल क्या होगा और हश्र क्या रहेगा, दुनिया देखेगी इस बात को। आतंकवाद को अगर कोई भी मुल्क पालता पोसता है, उसको बढ़ावा देता है, तो यकीनन अगर वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा तो खुद भी उसमें मुंह के बल गिरेगा और पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन 47 मिनट का और इंतजार। संयुक्त राष्ट्र सभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा, दुनिया भर की नजर टिकी हुई और सबसे ज्यादा बेचैनी तो पाकिस्तान और चीन के भीतर है। पाकिस्तान के मेहमानों को आप सुन ही रहे थे, लेकिन एक बार फिर से मिलेगा उनको करारा जवाब, दुनिया देखेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन को। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए आज तक।